जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है और आप इसकी भर्ती में जाकर फिजिकल क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल चल रहा होगा, आखिर इसका फिजिकल यहाँ पे कब होने वाला है। तो चलिए, मैं आप सभी को सारी जानकारी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और आपको मैं विथ प्रूफ यहाँ पे नोटिस भी दिखाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी भर्ती का सिलेक्शन शुरू होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही आपकी भर्ती का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट होता है, तो आपको बहुत ही कम समय यहां पे मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, लिखा गया है SI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर CAPF एंड वायरेंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट हवलदार कलर के कॉरिजेंडम रिगार्डिंग स्किल टेस्ट एंड हिंदी, मतलब इसको लेकर यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसकी मैं आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नोटिस पर, वहीं से मैं आप सभी को जानकारी देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी अगर चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नोटिस तरफ और वहीं से मैं आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, आप सभी यहाँ पर एक चीज़ आसानी से देख सकते हैं नोटिस में क्या बताया गया है और इस नोटिस जो है किसके रिगार्डिंग यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कंडक्ट ऑफ DME RME ऑफ कांस्टेबल GD एग्जाम 2024। अभी आप सभी बोलोगे कि 2024 का मुझे क्यों दिखा रहे हो, तो मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे SSC GD कांस्टेबल 2024 वाली भर्ती का 46,000 प्लस वैकेंसी निकल के आई हुई थी। उसका पेपर हो गया, लेकिन फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है। तो टोटल 105 फिजिकल सेंटर मतलब यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं, 105 फिजिकल सेंटर पर SSC GD का फिजिकल चलने वाला है। ये चीजें यहां पे क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, और SSC GD के फिजिकल डेट भी यहां पे अलाउंस हो चुकी हैं। अगर बात की जाए तो SSC GD जो फिजिकल है वो यहां पे स्टार्ट हो रहा है 27 सितंबर से 8 नवंबर तक SSC GD कांस्टेबल के फिजिकल चलने वाले हैं। तो जब SSC GD कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है और टोटल 122 फिजिकल सेंटर यहां पे बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं सॉरी दोस्तों 105 फिजिकल सेंटर जो है वो यहां पे बनाया गया है SSC GD कांस्टेबल का फिजिकल करवाने के लिए, और जिसमें से 22 फिजिकल सेंटर सिर्फ CISF के ही रहने वाले हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर बात करें CISF, BSF, ITBP, SM राइफल, SSB सारे सेंटर को इंक्लूड करके मिलाकर यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 105 फिजिकल सेंटर SSC GD के बनाए गए हैं। इसी के चलते अगर बात की जाए तो BSF के फिजिकल सेंटर पर भी अब यहाँ पे SSC GD के फिजिकल शुरू होने वाले हैं। और आपको बता दें, अभी यहाँ पे जल्द में एक नोटिस जारी किया गया, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही आप सभी समझ जाओगे, उस नोटिस में बताया गया है कि SSC GD कांस्टेबल के फिजिकल, मेडिकल और DV ये तीनों आप सभी का एक साथ होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, आपका फिजिकल में यहाँ पे एक महीने से ज़्यादा समय तो लगने ही वाला था। और ऐसा कि यहाँ पे बताया भी गया है कि आप सभी के जो फिजिकल है वो यहाँ पे 27 सितंबर से लेकर आपके फिजिकल जो है वो यहाँ पे 8 नवंबर तक चलने वाले हैं। अर्थात ये पता चलता है कि अब 8 नवंबर से पहले पैरामिलिट्री में जो भी भर्ती, यानी हम अगर एग्जांपल लेते हैं BSF की ही लेते हैं, तो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का जो फिजिकल है वो 8 नवंबर से पहले होने के कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नवंबर से पहले जो है यहाँ पे फिजिकल BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का नहीं होगा। और किन किन सेंटरों पर SSC GD का फिजिकल होने वाला है, ये यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है, बच्चे इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सेंटर का एड्रेस भी दिया गया है और ITBP, SSB, BSF सारे सेंटर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और सभी सेंटर को मिलाकर टोटल 105 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं SSC GD फिजिकल के लिए। और यहीं पर अगर बात की जाए तो टोटल अगर बात की जाए तो 22 फिजिकल सेंटर सिर्फ CISF के हैं, और भी यहाँ पे सारे सेंटर को मिलाकर टोटल यहाँ पे 105 फिजिकल सेंटर तैयार किए गए हैं। आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे CISF सेंटर रांची है, CRPF सेंटर, CISF सेंटर, इसी प्रकार से यहाँ पे सभी सेंटर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। BSF का है बंगलोर सेंटर, ठीक है, जहाँ पे SSC GD का फिजिकल चलने वाला है। तो अर्थात मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आप BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास समय है अभी, क्योंकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद आएगा आप सभी का यहाँ पे अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ कि जिस भी फिजिकल सेंटर पर BSF के, मतलब बात करूँ जो भी BSF के सेंटर पर SSC GD का फिजिकल होगा, उसी फिजिकल सेंटर पर, उसी के BSF फिजिकल सेंटर पर, या फिर अगर बात की जाए तो आपको पता होगा BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की टोटल यहाँ पे पूरे ऑल पैरामिलिट्री को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई 1526 वैकेंसी। ठीक है, तो असम राइफल, SSB, CISF, CRPF, BSF इन सभी सेंटरों पर अब की बार BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल होना है। तो जो भी फिजिकल सेंटर यहां पे दिए गए हैं 105 फिजिकल सेंटर, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इन्हीं फिजिकल सेंटर पर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी यहां पे अगर देखा जाए
तो आप सभी एक चीज़ तो यहाँ पे जानते हैं कि एसएससी जीडी में 3,46,000 प्लस बच्चे जो है वो फिजिकल यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भी 7 लाख से लेकर 8 लाख जो है वो फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो हमारा जो अनुमान कहता है, हमारा जो मानना कहता है, ये कोई ऑफिशियली नहीं है, ये मैं अपने अनुमान के तौर पर बता रहा हूँ कि आप सभी के जो यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं, हो सकता है एसएससी जीडी के जो 105 फिजिकल सेंटर पर यहाँ पे एसएससी जीडी फिजिकल करवाया जाएगा, उन्हीं फिजिकल सेंटर पर ही सॉरी दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 1526 पदों का भी फिजिकल हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन नवंबर के महीने में ही फिजिकल आपके शुरू होने की पूरी उम्मीद है। और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फॉर्म स्टेटस आप सभी को अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी जानकारी जब आपको पता चल गया है तो आप अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तो आपका फिजिकल यहाँ पे पहले होने वाला है। अगर हम फिजिकल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सभी का फिजिकल होने वाला है। टोटल 1600 मीटर आपकी रनिंग करवाई जाएगी और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। वहीं फीमेल की रनिंग होने वाली है 800 मीटर और इनको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर, ठीक है। वहीं अगर मेल की हाइट की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की हाइट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी याद रखिएगा और अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। और चेस्ट की बात करें तो मेल का जो चेस्ट है वो है यहाँ पे 78 सेंटीमीटर से लेकर 83 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है और फीमेल का यहाँ पे कोई भी चेस्ट वगैरह नहीं लगता, ठीक है। इस प्रकार से आपके फिजिकल यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन हाँ नवंबर का महीना आप सभी फिक्स मानिएगा, क्योंकि अक्टूबर आया, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, 8 नवंबर से पहले तो यहाँ पे बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल नहीं होगा, लेकिन 8 नवंबर के बाद आप सभी के फिजिकल यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के महीने में ही बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल शुरू हो जाए। 105 फिजिकल सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं एसएससी जीडी के लिए, तो इन्हीं 105 फिजिकल सेंटर पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के भी फिजिकल शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सारी तैयारी लगभग हो चुकी होगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगा, सिर्फ एडमिट कार्ड जारी करके और बच्चों को एक एक दिन यहाँ पर बुलाने के ही यहाँ पर यही प्रोसेस रह जाएगा। बाकी सारी प्रोसेस जो है वो एसएससी जीडी फिजिकल सेंटर जो बनाया गया है उसी फिजिकल सेंटर पर ही बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के भी फिजिकल हो सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी 1-2 महीने का समय बचा हुआ है, मैं मोटा मोटा मानता हूँ सभी के पास यहाँ पे 45 से 50 दिन का समय अभी पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो आप इन्हीं दिनों के अंदर अपने फिजिकल की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और साथ ही अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी को भी आप सभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट आप सभी का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम में आपको मैं बता दिया हूँ पहले भी, अब भी मैं बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन आएगा और जो कि 100 नंबर का रहने वाला है और आपको 100 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन 100 क्वेश्चन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको सारी चीज़ें समय में बता दिया था, ठीक है। टेंशन आपको नहीं लेना है, चैनल पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया है इस पर आप एक बार गौर करिएगा और अपनी तैयारी को एक बार जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि आपके पास जो भी यहां पे 40-45 दिन का समय बचा है उसी बीच आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो फिजिकल है वो आप सभी को नवंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। अक्टूबर के महीने यानी अगले महीने में आप सभी का फॉर्म स्टेटस यहाँ पे जारी हो सकता है। फिलहाल जैसे जो कुछ होगा मैं आप सभी को समय समय पर अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आप सभी अपनी तैयारी में जरूर लगे रहिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमेशा इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।